नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपका होस्ट और दोस्त महा न्यूज में स्वागत करता हूं आपका। आज हम हैं नेस्को में, मुंबई के, और नेस्को में आईसीआई और डब्ल्यूआरसी द्वारा एक रीजनल कॉन्फ्रेंस है और सीए इंडिया और चैतन्य इस तरह की थीम है, जिस जो देश को, देश का ग्रोथ, देश की इकोनॉमिक को बढ़ाने के प्रयास से एक ज़बरदस्त यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग और पूरे देश भर के सीए जो है चार्टेड अकाउंटेंट वो इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ में जो चेयरमैन है आईसीआई के, अनिकेत सुनील तलाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सर, देश के जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो चाह रहे हैं कि 2030 तक सबसे ताकतवर इकोनॉमिक बने। सर, ये चैतन्य थीम क्या है और किस तरह से इकोनॉमिक को, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप लोगों के प्रयास हो रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा आज देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी की ओर जा रहा है। वी आर ऑलरेडी द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। और जो देश का सपना है, जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हम एक विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया की ओर बढ़े, तो कोई भी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं, तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट तो करते ही हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, बैलेंस शीट हो, उसके बारे में एक रिलायबिलिटी फैक्टर ऐड करते हैं। बट साथ साथ हमारे काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री में हैं, जो CFO CEO का रोल निभाते हैं। और जो बड़ी कंपनियां आप देख रहे हैं जो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, या छोटे से छोटे MSME हो, इन सभी में कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उनका अकाउंट्स लिखना, उनका GST, उनका इनकम टैक्स करना, कंप्लायंस के सारे काम करना, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो 4 लाख हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जैसा देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, हम पिलर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस रोल को हम आगे और बढ़ाएंगे। और जब देश एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल। और आज आपने एक रियल इस्टेट, एक बहुत बड़ा ग्रोथ है, मुंबई तो सबसे ज़्यादा GST के मामले में या स्टैम्प ड्यूटी के मामले में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। सर, रियल इस्टेट को किस तरह से देखते हैं? कि लास्ट टाइम भी महारेरा मैनुअल बड़ी बुक निकाली थी WRC और ICI ने मिलकर, अभी भी उसका सेकंड पार्ट आया है, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है रियल इस्टेट? बिल्कुल अदा करती है, मैं ऐसा मानता हूँ। ना ही एक, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स। आप एग्रीकल्चर के बाद देखिए तो स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स रियल इस्टेट है। क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन में देखिए, रियल इस्टेट में बहुत लोगों को काम मिलता है, माइग्रेशन होता है और लोगों को काम मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन में तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। साथ साथ आपने ऐसा कहा, रेवेन्यू क्रिएशन फॉर द स्टेट, स्टैम्प ड्यूटी हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हो, वो भी इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा आते हैं। पर ये एक इंडस्ट्री है जिसमें मैं मानता हूँ, अगर आप गुड्स और सर्विस नहीं बेच रहे हैं, ये एक ही इंडस्ट्री जिसमें आप सपना बेच रहे हैं। क्योंकि घर खरीदना हर आदमी का सपना होता है, और जब एक डेवलपर और बिल्डर एक सपना किसी का पूरा कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेज रहे, ताकि अगर किसी ने अपने पूरे जीवन की सेविंग्स अपने घर को खरीदने के लिए लगाई है, वो प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो, उसकी अपेक्षा के अनुसार वो कंस्ट्रक्शन हो, ये देखने के लिए रेरा का कायदा और कानून लाया गया था। और मैं जो मानता हूँ, महारेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है, जो Form 3, Form 5 भरते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल हेल्थ प्रोजेक्ट की ठीक से चल रही है नहीं। तो आपने जैसा सही कहा, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अहम रोल है। सर, यूथ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में, पूरी दुनिया में यूथ हमारा देश है एक तरह से माना जाए। आप यूथ है, आप हाईएस्ट, मतलब सबसे कम उम्र के ICA के पिछले 75 ईयर्स के इतिहास में पहले यूथ प्रेसिडेंट है। सर, आप WRC के यूथ प्रेसिडेंट है, तो क्या कहेंगे, यूथ एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है देश के ग्रोथ में, वो CA हो या अलग अलग फील्ड में, रियल इस्टेट में या दूसरी फील्ड में, आप दोनों से सवाल है सर। पहले आप, मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए आज इंडिया एवरेज एज 28.5 है, और आपने जैसा सही कहा, हम यंगेस्ट नेशन तो है ही वर्ल्ड में, और आगे जाते हुए भी वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस रहेंगे अगले 10-15-20 साल तक। तो हमारे प्रोफेशन में हो, इंडस्ट्री में हो, या किसी और क्षेत्र में हो, यूथ इज़ गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और हमारा जो यूथ है, विद एजुकेशन, विद द राइट वर्क एथिक, विद द राइट कल्चर जो हमारे देश में और हमारे पूरे संस्कृति में जुड़ा हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ आगे अपने देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। ये एनर्जी जो हमारे यंग इंडियंस में है, हर एक प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, ये देश को बहुत आगे ले जाएगी। और मुझे कोई इसमें शंका नहीं है कि जब हम $5 trillion इकोनॉमी की बात करें या और आगे की बात करें, इसमें सबसे बड़ा योगदान इस यंगर जनरेशन का होगा। बिल्कुल, यंग जनरेशन का होगा योगदान। WRC के प्रेसिडेंट अर्पित काबरा, CA अर्पित काबरा, क्या कहेंगे सर यूथ के ऊपर? सर देखिए, आज जो ये हो पा रहा है, एक यूथ यंग प्रेसिडेंट है, हमारे डायनेमिक प्रेसिडेंट है अनिकेत जी तलाटी,
आज मुझे मौका मिला है, इस काउंसिल ने मुझे चुन के इधर चेयरमैन बनाया, तो आज हम सब लोग ने मिलके आज इतिहास में WIRC की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस आज इस शेप में हमारे सामने आई है, जिसका थीम हमने रखा है चैतन्य। चैतन्य मतलब अपनी चेतना जगाना। हमारे प्रेसिडेंट सर का एक सपना है कि यू नो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी अगर चेतना जगा ले और अगर अपने फुल एफर्ट्स डाल सके, तो आई थिंक जो पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग का टैग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया है, उसको हम एक अलग लेवल पे जाके इस पूरे इकोनॉमी को हम बहुत बड़ा सहायता दे सकते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम सब इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। इन सब में सबसे बड़ी भूमिका जो अगर निभाएगा वो एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हम कहते हैं एनर्जी और एक्सपीरियंस जो है, जो हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट दे आर एक्सपीरियंस, तो जब एक्सपीरियंस और एनर्जी साथ में मिल जाएगा, ये जो फ्यूजन होगा इसका कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल, और कोई मुकाबला नहीं करता। और चैतन्य के जरिए ICAI हो या WIRC हो, एक इकोनॉमिक ग्रोथ को, देश को इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में अहम रोल अदा करेगा आने वाले दिनों में। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ में महासेवा न्यूज़, मुंबई।